वेलकम टू फूड एंड टिप्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाएंगे हम इमली वाली, जो बहुत ही खट्टी मीठी और मज़ेदार सी बनेगी। चलें जी, मेरे चैनल को, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी इमली वाली खट्टी मीठी फ्रूट चाट। चलें जी व्यूवर्स, फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। फ्रूट्स ले लिए मैंने, एप्पल ले लिए हैं 2 अदद, इनको मैंने कट कर लिया है। बनाना ले लिए मैंने 4 अदद। ग्रेप्स लिए मैंने ये 1 कप, और अनार ले लिया है ये भी मैंने 1 अनार, खुद इस तरह से इसके दाने निकाल लिए। और ये मैंने इमली का पल्प लिया है, उसको मैंने भिगो दिया था, और ये तकरीबन है 1/2 कप के जितना। और दही भी ले लिया है तकरीबन मैंने 1/2 कप के जितना। ये हम बना रहे हैं चटपटी सी दही वाली और इमली वाली मज़ेदार सी फ्रूट चाट। चलें जी, अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एप्पल डालूँगी। बनाना, अब मैं डालूंगी ग्रेप्स, और ये अनार, ये अभी मैं साइड पे रख रही हूँ। पहले मैं इसकी चटनी तैयार करूँगी। ये दही लिया है मैंने, इसको मैं ज़रा फेंट लूँगी। अब इसमें मैं ये वाली इमली डाल दूँगी। और ये तकरीबन है 3 से 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, ये मैं डाल रही हूँ। और ये है 1 टेबलस्पून चाट मसाला। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही वाली चाट बहुत मज़े की बनती है, लेकिन ये है कि दही आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, और इमली का पल्प जो है वो आप लोग उसको, अगर आप लोग जल्दी से बनाना चाहते हैं और इमली आपकी भीगी हुई नहीं है, तो आप इसको इमली को में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको 1 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव कर लें, आपकी इमली फौरन से आप उसका पल्प रेडी हो जाएगा। चले जी, अब ये मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। चले जी, ये सारा कुछ मैंने शामिल कर दिया है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, चाट हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसे बॉल में निकालती हूँ। चलें जी व्यूवर्स, ये देखें मैंने बॉल में निकाली है मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी। ओके, अल्लाह हाफिज़।